गा लिया ना सबकी के लिए, कहा है ना सबकी ने बहुत ही बढ़िया वाला गाना सुनाने के लिए बोला था रेडियो में बिहान देवर जी के लिए और बिहान देवर जी के औसम वाले परफॉर्मेंस के लिए, जिसके आगे ना वो आरजे राहुल की ना बैंड ही बज गई। आप सबको? हाँ हम सब ने सुना। थैंक्स टू श्रद्धा, इसी ने तो बताया हमें थपकी की सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में। चलो भाई अंत भला तो सब भला, बिहान ने थपकी की सिर्फ मदद ही नहीं की, उसने गले भी लगाया है। हमारे पेट में ना बहुत ही चूहे कूद रहे हैं, अब और हम इंतजार नहीं कर सकते चाइनीज खाने के लिए। जी बिल्कुल, आप सब लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बिहान ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरी बहू को दुख देने वाला वो राहुल का बच्चा है ना, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटा सा काम करने को दिया था तुमने वो भी नहीं किया। मैंने कहा था थपकी की बेइज्जती करनी है और तुमने क्या किया, अपना ही बैंड बजवा लिया। सारी गलती मेरी थी श्रद्धा, जो यारी दोस्ती में मैंने तुम्हारी गलत बात मान ली और हुआ क्या, मेरा और मेरे शो दोनों का इमेज खराब। लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारा कोई गलत काम नहीं करूंगा, सॉरी। अरे राहुल लिसन टू मी, अरे कैसा दोस्त है यार तू। रेडियो वाला ना सबके से हमदर्दी दिखा रहा है क्योंकि बेइज्जती कर रहा है, हमको तो समझ नहीं आ रहा। आगे आगे देखिए और क्या क्या करता है ये। वही तो मैं सोचूं कि तुम इतने खुश हो के ये बार बार क्यों कह रही थी कि आगे देखिए राहुल क्या करता है ना। अब पता लगा, कर तो वो रेडियो वाला रहा था लेकिन करवा रही थी तुम है श्रद्धा। शर्म नहीं आई तुम्हें, तुम्हें क्या थपकी के साथ, उस थपकी के साथ जिसने हमारे लिए हमारे परिवार के लिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। पता है श्रद्धा, मुझे लगा था कि तुम शायद बदल गए हो, तुम्हारे अंदर जो नन्ही सी जान पल रही है ना उसकी वजह से, लेकिन मैं गलत थी, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। अरे श्रद्धा ये सब पता नहीं मम्मी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब इस बच्चे की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मेरा कंट्रोल ही नहीं रह पा रहा है खुद पर। पता नहीं कैसे कैसे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मिट्टी खाने का मन करता है, कभी अगरबत्ती खाने का। अगरबत्ती? हाँ मम्मी जी, पता है कल जब अगरबत्ती लेने गई थी तो थपकी ने मुझे रोका, उसने रोका तो मुझे गुस्सा आ गया जैसे अभी आपके ऊपर आया था। मैंने गुस्से में राहुल को कॉल कर दिया और उसे फोन पे कहा कि थपकी की बेइज्जती करो, मुझे पता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कभी तो मन करता है कि मैं इस बच्चे को ही खबरदार, खबरदार जो इस बच्चे के लिए कुछ कहा तो हाँ, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मम्मी जी, ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, आपके सामने मैंने मिट्टी भी खा ली, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी श्रद्धा, वो भी मेरे बेटे ध्रुव के बच्चे की खातिर, लेकिन जो गलतियां तुमने की है ना उसकी सजा देने की बात। अरे हमारी कटरीना मैडम आप गिर गई, आप हमेशा हमारे आंखों के सामने रहा कीजिए। बिहान
आज तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं कह पाई। अब कि ये थैंक यू तो तुम हर बात पे बोलती हो, कभी वो भी बोल दिया करो जो हमें सुनना पसंद। क्या? आई लव यू। पहले मेरा एक और काम करो, उसके बाद बोलोगी? तो ठीक है, बताओ क्या करना होगा। क्या? निकालो जिसे सारी सारे निकालो। क्या निकाले? वही जिसे डरा के तुमने उस आरजे राहुल को डराया था। जल्दी जल्दी। और ये बच्चा तो रहने दो, ये हमारा फेवरेट। इधर चिची जो जल्द जल्दी। अरे जी इसे कहाँ रख रही हो? अरे तू ताला क्यों लगा रही हो? चल चल ठीक, चाबी चाबी तो दे दो। सॉरी, आज से ये चिची चाबियां मेरे पास रहेंगी। बी फॉर बिहान पांडे। गजब, मिसे थपकी बिहान पांडे। कटरीना जी आप बीच में कैसे आ गए? चलिए हम आपको संभाल के रख देते हैं। चुपो, इतना प्यार से इस पोस्टर को संभालोगे तो हमारे बीच में तो हमेशा आएगी ना, और वहां कहाँ रखने जा रहे थे? वो तो ये हमेशा हमारे सामने, हमारा मतलब भाई यही रहती है ना, इसलिए वो तो हम जा रहे हैं। तब तो मुझसे प्यार नहीं करते थे, पर अब तो प्यार करते हो ना मुझसे सबकी। लेकिन तुमसे पहले तो हम नहीं। ठीक है, हम इसको बाहर कहीं संभाल के रखते। संभाल के क्यों? फाड़ के इसी वक्त फेंको इस पोस्टर को। फाड़ के थपकी? ये कटरीना है हमारा लव। ठीक है, सॉरी कटरीना। हम इसको बाहर रख के आते। हाय एंड अ बिग हेलो टू पांडे परिवार। आप सबका स्वागत है पांडे निवास की नई सुबह में। मैं हूँ श्रद्धा पांडे, जो इस वक्त अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है, और मैं यहाँ से आपको आंखों देखा हाल बताऊंगी कि इस घर में क्या क्या और कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे घर के मंदिर में, जहाँ बाबूजी और दादी माँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखिए कि हमारे घर में पूजा की तैयारी कैसे होती है। आइए। तो देखा आप सबने कि दादी माँ और बाबूजी कैसे पूजा करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे घर के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं। ओह, तो संजय भैया दूध वाले से दूध ले रहे हैं, और अश्विन भैया किसी से फोन पे बातें भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो यहाँ है, लेकिन मम्मी जी कहाँ है? तो मम्मी जी तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आई प्रॉमिस जैसे वो दिखाई देंगे उनका हाल मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। अब रही बात सुमन भाभी और प्रीति भाभी की, तो वो तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन आई एम श्योर एक अपने रूम में होंगी और एक अपने किचन में। यहाँ है। हेलो,
What? Huh? What? Are you gone mad? Huh? Excuse me? Mind your language. मुझे कोई शौक नहीं है ये सब काम करने का. मुझे कहा गया है इसलिए कर रही हूँ. अच्छा तो फिर बताओ तुमको कौन बुड़बक ने ये वाहियात काम करने के लिए बोला है? हाँ बोलो बोलो. मैंने. बड़ी सासू माँ. आपने बड़ी सासू माँ पर काहे? ये सजा दी है मैंने श्रद्धा को. ये आज दिन भर श्रद्धा पांडे निवास की रेडियो बंद कर रहेगी. वाओ बड़ी सासू माँ, दैट्स ऑसम. तो ये तो बताइए कि आपने इसे सजा दी क्यों है? हाँ क्यों, तुम दोनों को भी सजा चाहिए क्या? नहीं 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 सासू माँ, बताइए मत बताइए. तो चलो जाओ अपना अपना काम करो. ओके बड़ी सासू माँ. नहीं इधर नहीं इधर. ओके सॉरी. तुम भी अपना काम करो. गॉड, ये रेडियो की कमेंट्री करते करते तो मेरा गला ही सूख गया. ये बुढ़िया भी ना अपने आप को समझती क्या है? एक दिन सारी की सारी सासगिरी निकाल के रख दूंगी मैं. What the hell? एक तो वो बुढ़िया मेरे सर पर टूट रही है और अभी ग्लास भी टूट गया. बहुत शौक है ना तुझे सजा देने का. अब देख बदले में मैं तुझे क्या सजा देती हूँ. What? ग्लास ब्रेक कर दिया? श्रद्धा खाली तोड़ना ही आता है कि जोड़ना भी आता है तुमको कुछ? जोड़ तोड़ में तो आप दोनों माहिर हैं भाभी, मुझे तो आपसे सीखना चाहिए. एनीवे क्या बनाया जा रहा है? पोहा बन रहा है और वो भी बड़ी सासू माँ के लिए. मैं हेल्प कर दूँ? अच्छा ताकि सारा क्रेडिट तुम ले जाओ. बाय. रेडियो बना के मुझे पूरे घर में बार बार तूने बजवाया ना बुढ़िया. इन कांच के टुकड़ों से अगर तुम्हारी जुबान ना कट जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना. खाओगी ये पोहा तुम और इल्जाम आएगा प्रीति भाभी और सुमन भाभी पे. करो और करो थपकी की तरफ तर. गुड वर्क श्रद्धा, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने. कैटरीना, नहीं शायद गलती से रख दिया होगा बिहान में से. या फिर ये भी तो हो सकता है कि
जानबूझकर बिहान ही छोड़ा होगा इसे, ताकि जब मर्जी चाहे अंदर रख सके और इसे देखकर कुकु को खुश हो सके। हाँ अरे थक्की, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? अरे नीचे चलो, उस श्रद्धा ना रेडियो बनी फिर रही है पूरे घर में। बड़ी सासू माँ ने ना उसको सजा दी है, चलो ना। पर सजा क्यों? अरे फिर से कोनो कांड बंद किया होगा उसका। भाभी पर श्रद्धा तो प्रेग्नेंट है ना, और ऐसे में उसको सर... अरे छोड़ो वो सब, वैसे भी ना बड़ी बड़बोली भुब्बक है, ऐसे ना रेडियो जैसे ऐसे बड़चपक बोलती रहेगी ना उसका सारा मन का भड़ास निकल जाएगा। बढ़िया चलो ना तुम। अरे छोड़ो नहीं, नहीं, भाभी भाभी ये देखिए ना, इतना सारा काम करना है मुझे, ऊपर से बिहान की अलमारी भी गंदी पड़ी है, उसे भी साफ करना है। अच्छा अब तो बिहान देवर जी की हर चीज तुम अपने हिसाब से सजाओगी धजाओगी, है ना? बढ़िया बात। अच्छा ला, हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। भाभी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो, एक का सौ बात पूछ लो। भाभी वो जो लड़कों का पहला प्यार होता है ना, I mean वो पहला क्रश, वो उन्हें कब तक याद रहता है? कब तक? अरे ये मुआ पहला क्रश ना जिंदगी भर याद रहता है, जिंदगी भर। तुमको पता है ये मर्दों के लिए ना सारे रिश्ते नाते एक तरफ, और ये पहला क्रश ना एक तरफ। तुमको पता है तुम्हारे भैया है ना संजय, उसका ना दिल आया था कॉलेज में एक परकटी लड़की पे, उनका दिल जिगर किडनी लिवर सब कुछ फिदा था वो लड़की पे। हम तो का बताएं, आज तक ना उस चुड़ैल को लेकर हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बहुत ही लड़ाई होती है, तो खुद ही सोचो। हाँ अच्छा, पर थपकी तुम ये सब काहे पूछ रही हो? मैं जनरली बस। सुमन बहू, चाय लाने को बोला था ना तुम्हें? हाँ भैया, हम तो भूल गए। सबके हम अभी आते हैं। बड़ी सासू माँ लाई। अच्छा जी, इसका मतलब अभी तक बिहान के दिलो दिमाग पर तुम्हारा जादू छाया हुआ है कैटरीना। पता करना पड़ेगा।